प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर उत्तर प्रदेश में। राघवेंद्र सिंह गहलोत मथुरा से। मथुरा में इस समय पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। दरअसल आज 5 दिसंबर है और कल 6 दिसंबर 5 और 6 और 7 दिसंबर के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। दरअसल हम आपको बता दें, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। इस दौरान कई हिंदू संगठनों ने पहले से ही ऐलान किया था कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित शाही मस्जिद पर जलाभिषेक करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले इस ऐलान को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब भी पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी चूक करना नहीं चाहता है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रहा है। ऐसे में आला अधिकारियों की लगातार बैठक हो रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मथुरा में 2100 पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मथुरा को 2 सुपर जोनों में और 4 जोनों में व 8 सेक्टरों में बांटा गया है। मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था में 4 ASP, 40 CO और तमाम पुलिसकर्मी व दरोगाओं को लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन कहीं भी मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था में चूक करना नहीं चाह रहा है। पूरे इस एरिया को 4 सुपर जोन में बांटते हुए जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। करीब 143 पॉइंटों पे भी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है और चेकिंग पॉइंट से एक दूसरी चेकिंग पॉइंट तक ले गश्त पार्टी भी तैनात है, QRT तैनात है। आज से ड्यूटियां प्रभावी कर दी गई हैं और इन ड्यूटियों को चेक किया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है। हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है। जिन पे कोई संदिग्ध चीज़ दिख रही है उसको तत्काल चेक किया जा रहा है। जनता को परेशानी ना हो इसलिए अभी हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं और कल हम लोग इस जोन को नो ट्रैफिक जोन बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग इस पर चलने दे रहे हैं। तो संभावनाओं को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है, साथ ही आकाश से लेकर ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। जहाँ CCTV कैमरे नहीं थे वहाँ अस्थायी रूप से CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी बराबर की जा रही है पिछले एक हफ्ते से, और जितनी भी मोबाइल पार्टियाँ हैं सबके पास अपने कैमरे दिलाए गए हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें रिकॉर्डिंग भी की जाए। हाँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने वालों के खिलाफ अब तक 4 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, कोतवाली और गोविंद नगर मिला के। 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यातायात व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था के लिए 6 दिसंबर को एक नया ट्रैफिक डायवर्जन रूट बनाया गया है। साथ ही पुलिस लोगों से यह गुजारिश कर रही है कि वह किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है और सभी लोग सुरक्षित रहें, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभात